वेलकम बैक जी रमजान, और हम मैं आपको कहेंगे खुश आमदीद। बहुत सारे लोग हैं जो ये सोचते हैं कि सियासतदानों का रमज़ान कैसा गुजरता है, वहीं पर अगर ख्वातीन सियासतदानों की बात करें तो हमने उनको देखा है कि बाहर निकलती हैं और दबंग तरीके से बात करती हैं, अपने केस को प्रेजेंट करती हैं, लड़ती भी हैं, और साथ साथ जो है वो हमने बहुत सारे और मामला भी देखे, सोशल वर्क भी करी होती है। वहीं पर हम ये भी जानना चाहते हैं कि रमज़ान कैसा गुजरता है, घर में क्या मसरूफियात होती हैं। और जो आज कॉलर्स थे सवीन हमारे पास, जिन्होंने कहा कि इससे जो पॉलिटिकल टेम्परेचर हाई है, इसमें हम सबकी जिम्मेदारी थोड़ा सा उसे कूल डाउन करें, वो बात अपनी जगह। लेकिन जब हम रमज़ान की बात करें, जिसमें हमने ट्रांसमिशन का आगाज़ भी किया कि हमारी कुछ जिम्मेदारियां भी तो हैं एज एन इंडिविजुअल, एज अ सोसाइटी, एज अ कम्युनिटी, हमारी जिम्मेदारियाँ हैं कि हम क्या कर रहे हैं, किस कल्चर को हम प्रमोट कर रहे हैं, हमारे आस पास अगर कुछ गलत हो रहा है तो उसमें हम क्या रोल प्ले कर रहे हैं, क्या हम पानी है या आग है, बुझा रहे हैं या भड़का रहे हैं। इस सब पर बात करेंगे। पीटीआई की रहनुमा शानदाना गुलजार आज हमारे साथ इस ट्रांसमिशन में मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे आप? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्रिया जी। शानदाना साहिबा, रमज़ान हमें जो सिखाता है, जिस जो दर्स देता है, हम उस पर ज़रा बर्दाश्त की बात भी करते हैं, हम उसमें तरबियत की बात भी करते हैं, ज़रा हमारा जब हम प्रैक्टिस करते हैं कोई भी अच्छा काम, हमारे बच्चे वो देखकर सीखते हैं। जो इस वक्त हमारा टेलीविजन, जो इस वक्त हमारा सोशल मीडिया, जो इस वक्त हमारा पोलिटिकल कल्चर हमें बता रहा है, उससे कितना नुकसान हो रहा है? शुक्रिया जी। देखिए, एक तो आप दोनों को रमज़ान मुबारक, अल्लाह करे कि आखिरी अशरा हम सब के लिए मग़फ़रत का बायस हो इंशाल्लाह। दूसरी बात देखें, रमज़ान एज ए कॉन्सेप्ट हम समझिए एक महीना है सब्र का, या एक महीना है रोज़े रखने का या गरीब की फीलिंग का। नहीं, इसेंशली रमज़ान इज़ इस्लाम इन अ नटशेल। आपको साल के 11 महीने एक ऑर्डिनरी ज़िंदगी गुजारते हैं जिसमें तकालीफ होती है दुनियावी दीनवी हर किस्म की। रमज़ान आप अपनी ये जो टूटी फूटी कश्ती होती है ना, आप उसको डॉक करते हैं अल्लाह के यहाँ और उसकी रिपेयर करते हैं, ठीक है, जिस हद तक हो सकती है। बिल्कुल। अब इशू ये है कि आप जिस तरह बात की कि जो हमारे कल्चर में या हमारे पॉलिटिकल सीन में या हम लोग क्या करते हैं, देखिए जो एक साल से क़यामत चल रही, पाकिस्तान में वैसे तो 75 साल से क़यामत चल रही है, दुनिया कहाँ की कहाँ पहुँच गई, हम कहाँ रह गए, राइट? सो द राइट टू डेवलपमेंट पाकिस्तान में कभी एक्सरसाइज ही नहीं हुआ। द राइट टू डिवेलप बिलोंग्स टू अ फ्यू सेलेक्ट फैमिलीज एंड अ फ्यू सेलेक्ट प्रोफेशंस एंड अ फ्यू सेलेक्ट यू नो वट एवर। तो अगर हमें रमज़ान से कुछ सीखना है, इट इज़ यूनिटी। हर बंदा डिज़र्व करता है कि उसके पास वो हो। आपके जो अरमान है वो मेरे अरमान है, वो उनके अरमान है वो उनके अरमान है। छोटे छोटे अरमान होते हैं, बच्चे स्कूल जाएँ, हस्पताल अवेलेबल हो, घर हो, जॉब हो, इज़्ज़त वाली ज़िंदगी हो, इज़्ज़त वाली वेजेस हो। हर कोई तो जहाज़ नहीं चलाता ना, बट आप तो रमज़ान में आपको एक ये लेसन मिल रहा है कि हर बंदा मेरे इक्वल है। और अगर ये लेसन आप नहीं सीखा रमज़ान में कि आप मेरे इक्वल है, आप मेरे बराबर है, आप इस्लाम के किसी फ़िक्र से ताल्लुक़ रखते हो, आप पाकिस्तानी हो कि गैर इस्लामी हो, लेकिन इक्वालिटी तो आइन में है और आइन तो इस्लाम पे बेस्ड है हमारा। तो ये महीना अगर हम इसको पॉजिटिव सेंस से लेंगे, जो जद्दोजहद एक साल से चल रही है पाकिस्तान के लिए, ये एक हकीकी आज़ादी। खान साहब क्यों कहते हैं, वी गो बैक टू द बेसिक्स। जिस तरह रमज़ान में यू गो बैक टू द बेसिक्स, इन दिस पोलिटिकल स्ट्रगल यू गो बैक टू द बेसिक्स। कायदे आज़म के क्या ख्वाब थे इस मुल्क के लिए, अलाइगा अकबाल के क्या ख्वाब थे इस मुल्क के लिए, और क्या वो ख्वाब मैं और आप मुस्तहिक नहीं है देखने के? क्या हम नहीं चाहते कि हमारे बच्चे भी अच्छी जगह पढ़ें? सो अगर हम बेसिक्स पर दोबारा चले जाएँ, पोलिटिकली भी और रिलीजसली भी, इंशाल्लाह ये मुल्क को एक ज़बरदस्त बिग टाइम प्लेयर रोकने से कोई नहीं रोक सकता। बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन सियासत में मज़हब को लेकर आना, तो आजकल भी कुछ वाक़यात हम देख रहे हैं, कुछ नहीं मिलता तो मज़हब के साथ जोड़ दिया जाता है कि इस इंसान के बारे में ये बात कर दो, मज़हब की ये बात कर दो, या कोई ऐसा इल्ज़ाम लगा दो, या कोई ऐसी बात सामने ले आओ कि उसका करेक्टर असैसिनेशन हो जाए। देखिए, पाकिस्तान में कैरेक्टर असैसिनेशन तो बहुत अरसे से है, लेकिन इसको फॉर्मलाइज किया गया इन पर्टिकुलर अगेंस्ट वुमेन एंड वुमेन पॉलिटिशियंस, मादरे मिल्लत फातमा जिना अल्लाह बख्शे। अगर जब फातमा जिना के ख़िलाफ़ एक पॉलिटिकल कैंपेन चलाई गई जिसमें जानवरों को इस्तेमाल किया गया, गलत अल्फाज इस्तेमाल किए गए, बिजली के बिल भेजे गए, उनको गद्दार कहा गया, मादरे मिल्लत खुद वुमेन क्रिएटेड पाकिस्तान, अगर उस टाइम कोई सोचता, कोई स्टैंड लेता उनके लिए, या जब उनकी शहादत हुई उसकी इन्वेस्टिगेशन होती, तो शायद ये दिन ना देखने पड़ते। फिर एक और मौका अल्लाह ने दिया, बेनज़ीर भुट्टो शहीद साहिबा। मैं हूँ पीटीआई से, लेकिन मैं हमेशा कहती हूँ कि बीबी शहीद, और ये मेरे वालिद के अल्फाज हैं, मेरे नहीं हैं, शी वॉज़ अ बिगर मैन देन हर फादर, वो बहुत बहादुर थी। वाह, क्या जुमला इस्तेमाल किया आपने। मेरी उनकी सियासत से बहुत इख्तलाफात है, लेकिन बहादुर औरत थी। उसने कभी नहीं बताया दुनिया को, हम लोगों को पता था थ्रू फैमिली फ्रेंड्स, थ्रू अदर एक्सपीरियंसिस, कि उनके साथ जो जुल्म हुए आफ्टर हर फादर्स डेथ, उन्होंने कभी किसी किताब नहीं लिखा, कभी जिक्र नहीं किया, बिकॉज शी डिडंट वॉन्ट टू बी अ विक्टम।
तब भी पाकिस्तान के पास मौका था कि हम उसको ठीक करते, वो भी हमने नहीं किया, तो सोसाइटी की डिग्रेडेशन स्टार्ट होगी। अब एक अल्लाह की तरफ से मैं कह सकती हूँ मौजज़ा हुआ है या टेक्नोलॉजी से, सोशल मीडिया, बच्चा बच्चा आदमी आदि गांव गांव में ये बातें अब पहुँच गई हैं। जो एक खौफ होता था ना कि हम बदनाम हो जाएंगे या कल्चर ख़राब होगा, नो, सोशल मीडिया इज़ टेकिंग केयर ऑफ दैट। सोशल मीडिया इज़ मेकिंग शो कि जो हम एक मुल्क चाहते हैं, एक मॉरल, एक साफ़ सुथरा, एक खुशाइन, एक खुद सोच वाला मुल्क जहाँ पे औरतें मर्द दोनों उनकी इज्जत को कोई पामाल ना करे एक स्टूपिड बात से। आई थिंक ये कुछ पिछले दिनों से जो हम देख रहे हैं चीज़ें, जो आप कह रही कि मज़हब को गंदा, उसके जो सज़ा है वो तो अल्लाह ही देगा, वो तो मैं कुछ कुछ नहीं कह सकती, अल्लाह के डोमेन में मेरा कोई राय नहीं हो सकती, वो तो एक अलग हो कि आप सोसाइटी को ख़राब करो लोगों को, लेकिन जो लीगल है उस पर अल्हम्दुलिल्लाह मैं देख रही हूँ कि नो वन केयर्स। मैंने अभी आपको हम ब्रेक में बताई थी कि आई कम फ्रॉम अ वेरी कंजर्वेटिव एरिया, और मेरे लोग, अगर मैं खान साहब की बात कर सकूँ, मुझे इजाज़त हो, ज़्यादा सियासी बात नहीं करना चाहती, बट मेरे लोग कहते हैं कि जी खान साहब की नकली ऑडियो वीडियोस पीटीआई वालों की सब की निकल रही हैं आजकल, कहते हैं खान साहब अगर ये लोग असली वीडियो ऑडियो भी निकालें वी कुडंट केयर लेस, बिकॉज हमारे एहसास प्रोग्राम में जो बच्चों के पैसे थे वो बंद हो गए स्कूल के, शुक्र है केपी में तो अभी भी सेहत कार्ड है, पंजाब में सेहत कार्ड बंद हो गया तो उससे लोगों के किडनी इशूज़, हार्ट इशूज़ वो हो रहे हैं, सो पीपल आर मोर कंसर्न अबाउट देमसेल्व्स, दे डोंट केयर कि आप कौन से कपड़े पहन रही हैं, आपने दाढ़ी कैसी की है, लोगों को लोग अपना घर पूरे मसाइल पर उलझ के रह गए हैं या आटे के लाइनों में लग कर रह गए हैं। एग्जैक्टली, सो नहीं, इन सम सेंस कि वो लोग बेसिक्स पे आ गए, जैसे मैंने शुरू में बोला रमजान इज टू क्लीन अप योर रिलीजियस बेसिक्स, दिस वन लास्ट ईयर हैज बीन टू क्लीन अप पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिक्स। सुप्रीम कोर्ट में जो केस हो रहा है उस पर क्यों सारे इतने हम आग बगोल हैं, क्योंकि अगर आपकी छोटी छोटी आइन की शिक्के पामाल होंगी जिससे बज़ाहिर कोई मसला नहीं होता, चाहे वो मज़हब से रिलेटेड हो, इलेक्शन से रिलेटेड हो, पाकिस्तान की इरोजन स्टार्ट होगी, पाकिस्तान की जड़ों की इरोजन। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके ज़िले शाह एक स्पेशल चाइल्ड था, उसको किस तरह मारा गया बेदर्दी से, दे टुक अवे हिज़ राइट टू ब्रीथ, अज़हर मशवानी हमारा सोशल मीडिया का है, दे टुक अवे हिज़ राइट टू सेफ्टी, अल्लाह बख्शे हमारे कितने जर्नलिस्ट हैं, बट ऑफकोर्स अरशद शरीफ शहीद, दे टुक अवे हिज़ राइट टू लाइफ। नाउ इमेजिन कल को ये बन जाए कश्मीर, पाकिस्तान खुदा ना खास्ता आपको उठा ले, मुझे उठा ले, आपकी बहन को उठा ले, सो ये जो इस वक्त एक स्ट्रगल है ना, ये पीटीआई के नहीं है, और ये रमज़ान के महीने में हमें रिमाइंडर है कि अल्लाह ताला ने भी बोला है कि अल्लाह ताला एक नेशन की हालत तब बदलेगा जब वो खुद अपनी हालत बदले। तो देखिए अपनी अपनी जिम्मेदारियां हैं, वो सबको अपना अपना रोल प्ले करना है, बहुत ज़रूरी है, लेकिन आप क्या इस रमज़ान आपने क्या ऐसा काम किया जिससे आपको लगा कि हाँ मेरी जिम्मेदारी थी कि मुझे ये करना है इस रमज़ान? देखिए जो पर्सनल मैं इबादत कर रही हूँ, जो पर्सनल चैरिटी, वो तो नेचुरली टॉकिंग अबाउट इट वो सारी नेकियाँ ख़त्म हो जाएंगी। द गुड थिंग इज़ कि मैं और मेरी वालदा दोनों लोगों ने मेरे घर पे रेड किया था और घर से निकाला था वालदा को, मुझ पे गुस्सा आया हुआ था, मेरे सेडिशन का केस था और उसमें इन लोगों ने बदला मेरी वालदा से लिया, अभी भी थ्रेट्स मिलती रहती है, एक दोबारा मुझ पर केस कर दिया है। आई थिंक जो मैंने अपनी ज़ात के लिए अगर कोई काम किया हो, सब्र मैंने सीख लिया इन द फेस ऑफ एब्जेक्ट लाइज, इस किस्म की झूठ बोलते हैं ट्विटर पे, अदालत में, कुरान पे हाथ रख के कि मैं शौक में चली जाती हूँ। और उस पर आपने सब्र किया? वो मैंने अपने लिए किया, मैंने किसी पे एहसान नहीं किया, ठीक है, सो शायद उससे मेरा दीन बेहतर हो जाए, दुनिया को तो अल्लाह ही पता है। तो आपने बड़ी प्यारी बात, सब्र करते हैं आज, क्योंकि इससे पहले सुप्रीम कोर्ट का भी आपने जिक्र किया तो मैं एक ज़रूर सवाल भी करना चाहूँगा, बिकॉज अभी एक डेवलपमेंट भी थी, सुप्रीम कोर्ट जब कहता है गवर्नमेंट को कि आपने पंजाब के लिए, केपी के लिए फंड्स जारी करने हैं, फाइनेंस डिवीजन जारी करने, 21 अरब जारी करने, आज करारदाद पेश कर देते हैं जी पार्लियामेंट में कि हम जारी नहीं कर सकते, मुस्तरद करते हैं इसको। एक्चुअली प्रॉब्लम यही है ना, जो किसी को समझ नहीं आ रही, जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है जजेस सिर्फ उसकी प्रोनाउंसमेंट कर रहे हैं, उसकी इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं, जजेस कानून नहीं बना रहे। आइन में लिखा है नो लेटर देन 90 डेज और शैल लिखा है। अब क्या होगा जब गवर्नमेंट के लिए पैसा नहीं देंगे? वैसे शनाना जी एक बात तो बताएं मुझे, हाई कंटेंप्ट, एक बात तो बताएं मुझे, क्या आप लोग खान इतना खजाना खाली छोड़ गए कि वो कहते हैं 21 अरब भी नहीं है और कहते पिछली हुकूमत ने ये किया है, इतना खाली छोड़ गए खजाना, किधर किए पैसे? क्या कर रहा है? पॉलिटिकल शो नहीं करना, आप चाहते हैं मैं फैक्ट्स एंड फिगर्स और इकोनॉमी पे आ जाऊं? चले थोड़े थोड़े से, मतलब थोड़े से बताएं, वैसे 21 अरब भी नहीं है खजाने में। मुझे ये बताएं अभी जो ये आटा $20 टन खरीदा है यूक्रेन से कीड़ों वाला और $360 टन बेचा गया है, तो ये बीच में पैसे किसने बनाए? वही लोग हैं जो कह रहे हैं कि हमारे पास इलेक्शन के पैसे नहीं। इस पे वैसे ये जो स्कॉलरशिप्स अनाउंस कर रहे हैं कहाँ से पैसे आ रहे हैं? यानी पैसा है सिर्फ इंतखाबात के लिए नहीं है। बिलावल जरदारी ने कितनी फॉरेन ट्रिप्स की हैं पिछले एक साल में? 80, उस पे 2.25 अरब लगे, वो कहाँ से आए हैं?
जस्ट इन केस गवर्नमेंट कहते हैं कि पैसा नहीं है हम नहीं पैसा देंगे है, खान साहब खुद पैसा इकट्ठा कर सकते हैं इसके लिए, सुप्रीम कोर्ट की तनख्वाहें बंद कर दें, पार्लियामेंटेरियंस की तनख्वाहें बंद कर दें, ब्यूरोक्रेसी की तनख्वाहें बंद कर दें, दो तीन महीनों के लिए पैसा निकल आएगा। कोई गरीब तो नहीं है ना, ना पार्लियामेंटेरियंस गरीब है, ना सुप्रीम कोर्ट वाले गरीब है, और ना ब्यूरोक्रेसी, ग्रेड 22 की तनख्वाहें बंद कर दें, चले बात खत्म। ऐसा बहुत है, आपके वजीर आजम तो कहते भी हैं कि हमने तो कट लगाए हैं अपने एक्सपेंडिचर्स पे, 150% रेजेस दिए हैं सबको। अच्छा, एक्सपेंडिचर्स के लिए खास उन्होंने हर दूसरे महीने, मैं आपको इन्हें बोरिंग बातें, मैं आपको इकोनॉमिक अफेयर्स डिवीजन की जितनी निकल आती हैं वो तो इंटरनेट पे होती हैं, राइट, और वो तो IMF पे उनको देख रहा होता है। जो इन्होंने अपने आप पे रियायतें की हैं वो सारी रियायतें दिखा दे ये लोग। सदा ना, महंगाई ने आपको किस हद तक मुतासर किया, लाइफस्टाइल में क्या चेंज आया है? देखिए, मैं तो खुद बेरोजगार हूँ पिछले अप्रैल से, जब से रेजिग्नेशन एक्सेप्ट हुई है, ना मेरा कोई बिजनेस था, मैं अपनी वालदा की पेंशन खा रही हूँ, और पहले तो तकलीफ होती थी कहते हुए, अब तो हंसी भी आती कि ये दिन भी देखने पड़े। वे नॉट रिच फैमिली, हम पढ़े लिखे लोग हैं, मालदार कभी भी नहीं थे, वे कम्फर्टेबल गाँव में घर है शुक्र अलहमदिल्ला, लेकिन वी वर नॉट रिच पीपल। ये इसमें फ़ायदा मुझे हुआ कि जो मैं अवॉइड कर रही थी, मैंने अपना छोटा सा स्मॉल माइक्रो इंटरप्राइज स्टार्ट करने की कोशिश की है, मैंने फैमिली से लोन्स भी लिए हैं, लेकिन मैंने अपने सारे खर्चे काट डाउन कर दिए जो मुझे नॉर्मल लगते थे, एंड आई थिंक ये मेरे लिए भी नॉर्मल लगता था। कपड़े खरीदना, दर्जी के पास जाना, बाहर खानों पे जाना, दोस्तों से मिलना, तोहफे तहाइफ देना, और ये सब छोड़ दिया। और मुझे पहले शर्म आती थी एडमिट करने में, अब मुझे शर्म नहीं आ रही है। With everybody, actually. क्या पैसे ना होना शर्म की बात है? Not at all. झूठा होना शर्म की बात है? कातिल होना शर्म की बात है? करप्ट होना शर्म की बात है? शर्म की बात है। But the thing is, क्योंकि कभी हुआ नहीं था ना, अल्हम्दुलिल्लाह, मैं तो 6 figures में कमाती थी बिफोर आई बिकेम एन MNA, बहुत अच्छा कमाया, सारी उम्र बहुत अच्छा खाया है, खिलाया है, लेकिन आई थिंक जो अगेन रमज़ान और 11-12 महीनों मुझे सिखाया है कि जिंदगी आपको प्लेट में नहीं मिलेगी, किसी गारंटी के साथ नहीं मिलेगी। आप किसी के भी बच्चे हों, आप किसी के भी नौकरी में हों, आप पे अल्लाह की तरफ से इम्तिहान आएंगे, और ये आपकी बेनिफिट के लिए हैं। आप इसको दो तरीके से देख सकते हैं, हाय बिचारी वाई मी, और कि नो, मैं खुद इस रास्ते पे निकली हूँ। मैंने बनना भी नहीं चाहती थी, पिछले इंटरव्यू मैंने आपको बताया था कि मैंने बहुत रेजिस्ट किया था, बिकॉज एक लाइफ स्टाइल था जो मैं नहीं छोड़ना चाह रही थी, एक प्राइवेसी थी, एक ज़िंदगी थी। बट अब जब निकल आया, मैंने कभी किसी पे एहसान नहीं किया, और ना मैं अभी स्टार्ट करूँगी, अपनी पे ही कर रही हूँ, अगर कुछ कर रही हूँ। बट एक रियलाइजेशन आ जाती है हाउ द अदर हाफ लिव्स। ये मुझ पर इतने केस झूठे ना होते तो, और अगेन अल्लाह भला करे ILF के वकला का और PTI का कि मुझे फ्री लीगल सर्विसेज टॉप लो वकला की मिलती हैं, बट इमेजिन व्हाट 99% ऑफ पाकिस्तान इज गोइंग थ्रू इन दिस मंथ। सो अगेन देयर इज सो मच टू बी ग्रेटफुल फॉर, लेकिन रमज़ान का ये जादू तो एक है ना, अल्लाह वाला जादू, नॉट ये पीट रोने वाला, बरकतें तो है ना, क्योंकि दस्तरखान फिर भी सज रहे हैं, लोग फिर भी खा रहे हैं, एब्सोल्युटली, और हम भी नजर आ रहे हैं, एग्जैक्टली, दस्तरखान भी है, लोगों से मिल रहे हैं, लोगों से सीख रहे हैं, और ऐसे ऐसे आजिज़ तबीयत लोग हैं उनके साथ आप बैठते हो, बात करते हो, आपको लगता है कि ये तो आलिम था। सो आई थिंक द वन थिंग विच इज़ इम्पोर्टेंट is that you learn to become grateful again. Bhool jata hai insaan. Insaan, Pakistan jaise mushkil mulk mein rehke, mushkil halaat mein, aap bhool jate ho ke there's an ayat, you know, there's a saying. Okay. Mere Arab dost ye bolte, alhamdulillah, ala kulli hal. Tamam, aur main kabhi kehti thi, ye kaise hota hai alhamdulillah kulli hal? Takleef ho rahi hai, maut ho gayi hai, chori ho gayi hai, murder ho gaya, nahi, maine isme bhi seekh liya. ये सख्त से सख्त तकलीफ, बट ये मेरी ज़ात तक है फिलहाल, अल्लाह करे कि द पीपल हु कम इन कॉन्टैक्ट विद मी, मेरे नेफ्यूज़, नीसेज हो गए, फैमिली वाले, कि वाकई मैंने सीख लिया हाउ टू बी ग्रेटफुल, शायद मुझे पहले नहीं पता था। ठीक है, लेकिन जैसे पहले आपने कहा ना कि अब एक स्मॉल एंटरप्राइज की तरफ जा रही हूँ, बिल्कुल, डज दैट मीन कि अब सियासत से थोड़ी किनारा कशी हो जाएगी? नहीं, मैंने उस तरह से तो नहीं, आई ऑलवेज बी अ वर्कर फॉर PTI, आई ऑलवेज बी अ वर्कर, TV पे आऊँगी, प्रेजेंटेशन करूँगी, लेकिन बिकॉज ये पिछले 3-3.5 साल वो पर्टिकुलरली फ्रस्ट्रेटिंग, एक पैराशूटर आया था PTI में, अब कहीं और चला गया, वो मेरे हल्की की टिकट उसको मिली भी थी, वो इन टर्म्स ऑफ एरिया लोकेशन एंड इन टर्म्स ऑफ पार्टी दोनों पैराशूटर था, और मैं कहते कहते थक गई कि जी की बात की है आपने? एक हैं, कौन है? XMNA, करंट MNA जो भी हैं, तो मैंने रिक्वेस्ट की थी कि मुझे रिजर्व MNA नहीं आना, मैं तो नाम सोचने के बाद सेंस के रमजान की चलो तो नहीं उछाड़ी, ना पगड़ी नहीं उछाड़ी, बस देखिए आप बता दिए उन्होंने, उनके हल्के से सारे समझ जाएंगे, बस आप ढूंढ लेंगे, आप ढूंढ लेंगे ना, ठीक है। तो इशू ये है कि आई वांट टू नाउ कम एज एन ओपन सीट, एन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम माय एरिया। ओके, अगर नहीं आ सकती, नेचुरली आई डोंट हैव द मनी फॉर इट, पार्टी से मुझे स्पॉन्सर करेगी, बट अगर ऐसा नहीं हो सकता तो देन इंशाल्लाह आई विल ऑलवेज बी अ वर्कर फॉर PTI। टिकट की बात हुई है वैसे? वो तो कब की मैंने की हुई थी, लेकिन तब हालात नहीं, आई डोंट नो इफ इट्स डन और नॉट, तो खान साहब की मर्जी नहीं है। लास्ट में बात क्या हुई टिकट पर? जो खान साहब की मर्जी, अगर ना दें, आई विल नेवर कॉन्टेस्ट, अगर ना दें तो कोई मसला नहीं, लेकिन ऐसे कहा गया आपको कि अच्छा टिकट दे रहे हैं आपको आपके हल्के का?
टिकट पे कहां खड़ी है पीटीआई, टिकट बांटना शुरू कर दी है? नहीं, अभी तो नेशनल असेंबली का पता नहीं कब इलेक्शन होगा, जिस तरह हालात चल रहे हैं। सो मैंने अपना एंटरप्राइज इसलिए भी स्टार्ट किया कि आइंदा कभी भी मैं तनख्वाह पे डिपेंडेंट ना हूं। ठीक है, मैं सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन कैंपेन के लिए पैसे अपना लगाएंगी ना? एग्जैक्टली, नहीं वालदा के मैंने जितने पैसे एक साल खाए हैं, इमेजिन पेंशन कितनी होती होगी गवर्नमेंट सर्वेंट की, वो मैं खा रही हूं। कहती नहीं मेरी पेंशन खा गई सारी। शी इज एन अमेजिंग, शी इज अ माउंटेन, माशाल्लाह। आई यूज्ड टू थिंक कि शायद मेरे बाबा स्ट्रांग है और उन्होंने बड़े एहसान किए, बट अब बाबा के बाद जब मैं अम्मी को देख रही हूँ एंड द वे शी इज, मैं कहती हूँ शायद ऐसी किसी की वालदा हो ही ना। इंसान है ना, जरा ईगो का इशू होता है, बट शी इज ट्रूली अ माउंटेन ऑफ स्ट्रेंथ, अल्हम्दुलिल्लाह। अफ्तारी में क्या बनाती है? अफ्तारी बनाती है पहले ये बताएं, उसके बाद ये बताएं क्या बनाने का शौक है। बनाने का शौक नहीं है, बनाती हूँ। ये अम्मी ही है? नहीं नहीं, फ्रूट चाट भी बनाती हूँ, दही बड़े भी बनाती हूँ, जो खुद खाती हूँ वो बनाती हूँ, सैंडविचेस बनाती हूँ, आई कैन मेक नाइस पकौड़ाज, मतलब बना तो सब कुछ सकती हूँ। जरूरत ईजाद की माँ है अफ्तारी में सबसे ज्यादा, दही बड़े। दही बड़े, अच्छा। मैं सोन दही है ना, उसमें ठंडा सारा दिन प्यास लगती है, बल्कि मैं तो बीइंग अ वकील अल्लाह से बुजुर्ग नेगोशिएट करती हूँ, मैं कही अल्लाह ताला कहीं तो आपने गुंजाइश एक गिलास पानी की छोड़ी होगी ना, खाना नहीं खाना, बस थोड़ा पानी पिला दो, पानी पिला दो, वो नहीं है गुंजाइश बड़ी मैंने ढूंढी। थैंक यू सो मच जी, इट वाज लवली टॉकिंग टू यू, और बड़ा ही जबरदस्त है, कितनी प्यारी, इतनी पॉजिटिव एनर्जी के साथ पॉजिटिव बातें, यही हमें करनी चाहिए, कल्चर को प्रमोट करना चाहिए। ब्रेक लेंगे रमजान में, हमें वापस आएंगे, साथ रहिए।